यही वजह है कि हमारे यहाँ वो अदर इंसाफ नज़र आता है कि जो वाकन अशरफुल अशरफुलम्बिया के ज़रिए से है वो ख़ुशूनत वो जुल्म और कत्लेआम नज़र नहीं आता एक वाक़ हुआ दूसरे हाकिम के ज़माने में कि मदीने में एक लाश मिली एक आदमी की कि जो औरतों के कपड़े में था अब ये जो कजावत है जाहिर है कि इसका ताल्लुक है मौला अमिरमिन के उस इल्म से कि जो उन्हें अशरफुलम्बिया से मिला और उन्होंने फरमाया था इसमें दरमियान में आएगा कि अब एक लाश मिली है एक मर्द की कि जो औरत के लिबास में है अब जब ये लाश मिली मस्जिद के पास मिली बाद जगह बयान हुआ मस्जिद में मिली तो मौला ने फरमाया कि इसको दफन कर दो और भी कुछ लोगों से फ़रमाया अभी इसका फ़ैसला होगा नौ महीने बाद नौ महीने बाद इसी महराब के पास आके देखना क्योंकि बच्चा मिलता है कि नहीं मिलता अभी एक दो लोगों से कहा मैं छोड़ दो इसको इसका फ़ैसला होगा नौ महीने बाद इतफाक़ से नौ महीने के बाद ना कि इतफाक़ से मौला को इल्म था नौ महीने बाद एक बच्चा मिला मस्जिद में बिल्कुल छोटा सा बच्चा मौला अमिरमिन ने कहा कि इस बच्चे को एक दाया के हवाले कर दिया जाए कि जिसका ख़र्चा फिर माल से दिया जाएगा हमारा माशरा कैसा डेवलप हुआ है कि जो बच्चा मिले उसको क्या कहते हैं आप और हम लोग मैं नहीं कहता अलबत् <laughs> हमारे जाहिल मुल्लाओं ने ईदी पे भी इल्जाम लगाया था कि हराम के बच्चे पालता है बाबा हराम का बच्चा साबित करने के लिए दलील चाहिए जो बच्चा झूले में मिल जाए साबित नहीं है कि ये हराम का है देखिए फ़र्क है इमकान नहीं है किसी ने मजबूरी में छोड़ दिया हो इमकान नहीं है किसी ने अगवा करके छोड़ दिया हो इमकान नहीं है किसी ने दुश्मनी में किसी का बच्चा अस्पताल से उठा के यहाँ डाल दिया हो कहां से साबित हुआ कि हराम का है किसी भी माशरे में असल यह है कि बच्चा हलाल है हराम का साबित होने के लिए दलील चाहिए यह अहले बहत है लिहाजा अगर कोई किसी बच्चे को अडोप्ट करता है और आप हमको पता चलता है तो ये जबरदस्ती के दीनदार ना बने उस बच्चे की तोहीन करें कि इसके बाप का नहीं पता माँ का नहीं पता बस हराम का है ना ना उस शख्स की जिंदगी को तंग करें और ना उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें बल्कि जितना हो सकता है उससे मोहब्बत करें क्यों कि मां बाप का पता होना ना पता होना साबित नहीं करता कि वो नाजायज है ये फर्क फा, है फिके अहले वहत में और दूसरों में मौला आमिर मोमिनी ने कहा कि ये दाया के सुपुर्द किया जाए बैतुलमाल से इसका खर्चा दिया जाएगा और दाया से कहा कि अब ईद जब आए तो एक औरत आएगी और इस बच्चे को प्यार करेगी और कहेगी कि तू कितना मजलूम है एक मजलूम माँ का बेटा और एक हबीस शख्स का बेटा वो प्यार करेगी और जब वो प्यार करे तो उसको पकड़ लेना और मेरे पास ले आना अब यहाँ कोई कहे कि मुमकिन है कि मौला मेरे ने खुद ही सारे काम कर लेते ना अब उसके बाद ईद आई और ये बच्चा जो है वो उस खातून की गोद में था और एक खातून आई दाया की गोद में था एक खातून आई और उसने कहा उसे प्यार करके कि मज़लूम माँ के मजलूम बेटे और एबी शख़्स के बेटे उसने प्यार किया इस खातून ने दामन पकड़ लिया इसने छुड़ाना चाहा कि नहीं मुझे बताया था इब्ने अभी तालिब ने तुम्हें तो लेके जाऊंगी तो खातून ने कहा कि मैं तुम्हें इतना इतना माल दूंगी, दस यमनी चादरें दूंगी, दस यमनी हुल्ले दूंगी यानी ख़ास कपड़े यमन के यमन की चादर यमन के हुल्ले, यानी ख़ास कपड़े वो मशहूर थे और तीन सौ दरहम दूँगी और अगली ईद में फिर आऊँगी मिलने और फिर तुम्हें इतना ही दूंगी। इस औरत ने जाने दिया मौला अमिरमिनी ने सवाल किया कि क्या हुआ कोई औरत आई थी कहा कि नहीं तो मौला अमर उमोमनी नाराज़ हुए कि इम्कान नहीं है कि ना आई हो क्योंकि मेरे हबीब ने मुझे खबर दी थी ये वो इल्म है कि जो अशरफुलंबिया का खास दिया हुआ है अल्लाह मैंने रसूल अलफबाब के अल्लाह सुबहाना व तबीब ने मुझे हज़ार इल्म के दरवाजे दिए जिसमें से मैंने हर एक से हज़ार दरवाजे खोले और फिर इमाम ने फरमाया कि अब तुम पकड़ लेना उसे तुम झूठ बोल रही हो अब जो ईद आई तो उसे पकड़ा और उसके बाद लाया गया फिर मौला अली काजी के पास ले गए और दास्तान पता चली कि ये लड़की जो थी इसकी पहले माँ मर गई बाप मर गया बहन भाई नहीं थे तो कहती है कि मैं घर में तनहा थी बाज़ा रिश्तेदारों के जाती थी एक बुज़ुर्ग खातू आई बुजुर्ग ख़ातू ने आने के बाद जो है वो नमाज़ पढ़ी और कहा कि मैं रोज़े में हूँ मैंने इंतज़ार किया उसने मुझे गले लगाया बहुत मोहब्बत का इजहार किया कि तुम मेरी बेटी की तरह हो इसने उसके बाद नमाज़ ख़त्म की तो मैंने सामने उसके कुछ रखा खाना तो वो रोने लगी कि मैं इससे ज़्यादा नहीं खाती रोटी और नमक से और फिर उसके बाद नमाज में लग गई उसके बाद इसने आना जाना शुरू किया और बाद में उसने कहा कि मैं कहीं जा रही हूं और तुम इतने खूबसूरत हो तो मैं चाहती हूं कि किसी को तुम्हारे यहाँ रख जाऊँ एक मेरी बेटी है कि जो बहुत ही शर्मा हया का पैकर है उसे मैं तुम्हारे यहाँ छोड़ दूँ और इस तरह से वो उस मर्द को घर में ले आई थी और उस मर्द ने ज्यादती की और बाद में इस लड़की ने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद जितना हो सका या किसी के साथ मिल के लाश बाहर फेंक दी तो ये वो थी लड़की अब जब ये कत्ल का मुकदमा दोबारा ले जाया गया और मौला अली ने खोला और मौला अली ने बताया कि ये मामला है इस आदमी ने जुल्म किया इस खातून ने अपना दिफा किया लिहाजा इस पर अब कोई सजा नहीं होगी लेकिन यह सब मामला फ़क्त इल्म के जाहिर इल्म के लिए ज़रिए से नहीं था बल्कि अशरफुलम्बिया का दिया हुआ गैब का इल्म भी था और मौला अमिरम्न इन चीज़ों के ज़रिए से जहाँ अपनी इलमियत भी जाहिर करते थे हक़ इमामत और ख़िलाफत भी जाहिर करते थे जहाँ मज़लूम का दिफा भी करते थे तो वहाँ दूसरी जानेब दुनिया को बताते थे कि जो लोग बैठे हैं ये इन चीज़ों से आशना नहीं हैं और नबी का खलीफा वो होता है कि जो हर चीज़ से आशना हो